हे हाय फ्रेंड्स, होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे एक न्यू वीडियो में, और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सीएमए रोहन शर्मा। और मेरे साथ आज इस लाइव सेशन में सीएमए अभय कुमार है। अभय बेसिकली झारखंड से बिलोंग करते हैं, एंड अभी अभय रिलायंस इंडस्ट्रीज में फाइनेंस एंड अकाउंट्स मैनेजर के पोस्ट पे है। तो ये स्टोरी भी बहुत इंस्पिरेशनल होने वाली वो सारे स्टूडेंट्स के लिए जो सीएमए कर रहे हैं और एक एवरेज स्टूडेंट्स थे, क्योंकि अभय भी एक एवरेज स्टूडेंट था और हम अभय की अभी जर्नी सुनते हैं। तो हाय अभय, कैसे हो आप? एकदम बढ़िया रोहन, एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास। तुम सब अच्छा चल रहा है? सब बढ़िया? तुम कैसे हो? तुम बताओ, तुम्हारा कैसे चल रहा है अभी? मैं भी बहुत अच्छा हूँ। मैं तो वर्क फ्रॉम होम एंजॉय कर रहा हूँ। आप अभी महाराष्ट्र में हो, क्योंकि बिल्कुल। रिलायंस इंडस्ट्रीज महाराष्ट्र में ही है, तो आपको कैसा लग रहा है वहां पे? बारिश को आप एंजॉय कर रहे हो? बारिश तो पूछो मत, बारिश का कहना ही एक अजब गजब निराला है यहाँ मुंबई में। कभी भी बारिश हो जाती है, कभी भी रुक जाती है, इसलिए बारिश से रिलेटेड एवरीवन नो द मुंबई, बारिश के बारिश से रिलेटेड सबको पता होगा। ग्रेट ग्रेट। तो अभय, हम स्टार्ट करते हैं आपकी जर्नी को, कि आपने कैसे अपने उस आपको आपके लाइफ में ना रिवाइंड लेके चलते हैं। आपने मतलब सीएमए कैसे कोर्स को ज्वाइन किया, मतलब क्या ऑब्जेक्टिव था जब आप सीएमए कोर्स को ज्वाइन किया? आपने कैसे इस कोर्स के बारे में सोचा? बिकॉज उस टाइम में इंटरनेट भी इतना नहीं था, हमारे पास इतना फोन्स भी नहीं होते थे, तो हमें आपको कैसे पता चला सीएमए कोर्स के बारे में? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि सीए के बारे में सभी लोग जानते थे, बट सीएमए के बारे में इवन हम लोग, मैं भी नहीं जानता था। मेरे साथ हमारा दोस्त भी एक ज्वाइन किया था, वो भी नहीं जानता था, लिटरली आई एम सेइंग कुछ नहीं जानते थे सीएमए के बारे में। बट मेरे फ्रेंड के एक बड़े भैया थे, वो सीए थे एक्चुअली, दैट टाइम वो सीए, देन वो दिस एडवाइस की तुम लोग सीएमए ज्वाइन करो, क्योंकि ये एक शॉर्ट ड्यूरेशन में एक्चुअली आर्टिकल से पीरियड का, इसमें उस समय 6 मंथ का माइनॉरिटी था ओनली, अभी तो 1.5 ईयर हो गया है, तो 6 मंथ का था। दैट्स वाई वो एडवाइस कि तुम लोग सीएमए ज्वाइन करो, 3 4 साल में कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए इसलिए मैंने, एक मेरे फ्रेंड था, वो दोनों ने साथ में ज्वाइन करा। अभी अभी यार बहुत सारे सीएमए राइट नाउ, बहुत सारे क्वालिफाइड ओके सीएमए, बहुत सारे एसोसिएट मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट ऑफ इंडिया। ग्रेट दिस ग्रेट इज द ग्रेट। रीजन बिहाइंड वी आर ज्वाइनिंग द सीएमए कोर्स। ओके ओके। तो अबे, आपका उससे पहले एकेडमी कैसा था? मतलब आप एवरेज स्टूडेंट थे, मतलब 10 12th में आपके कैसे मार्क्स थे? मतलब बहुत हायर साइड था या एवरेज था? ये क्वेश्चन आई नेवर थॉट कि ये क्वेश्चन आएगा, बट ओके जब आ गया है तो उसका आंसर भी देना देना भी जरूरी है। ओके मैं एक सच कहूँ तो मैं ऑन एन एवरेज 60 to 70% लाने वाला एक एवरेज स्टूडेंट था। ग्रेट। नेवर एवर गो बिहाइंड टू 70% इन सिंस 11 to 10, नेवर एंड एवर। ओनली 60 to 70% इज माई, आई मीन इसके मतलब बियॉन्ड आपका मेरा आपका मैं मार्क्स का एवरेज एक स्टूडेंट था। ब्रैकेट था, इसी में आना है, हाँ, 60 से 70 के बीच में आना इसके ऊपर आता ही नहीं था हमारा, मतलब मैं एक एवरेज स्टूडेंट था। मैं एग्जाम के पहले पढ़ता था, 2 महीने पहले पढ़ता था, 1 महीने पहले पढ़ता था और जाके एग्जाम देता था है। एक्चुअली। तो आपने जब सीएमए कोर्स को ज्वाइन किया फाउंडेशन में, तो फाउंडेशन में भी कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ चैलेंजेस आए थे आपको? बिल्कुल, आई वाज नील, आई मीन मुझे पता नहीं था अकाउंट क्या होता है। अच्छा 11 12 आई जस्ट पास, आई मीन खेलते कूदते, यू नो लाइक कुछ नहीं पता है, डेबिट क्रेडिट, आई नो, आई वाज टोटली ब्लैंक। आई जस्ट ज्वाइन टू, आई आई एम गोइंग टू ए प्रोफेशनल कोर्स, दैट्स द रीजन। आई ओके वाज ब्लैंक, आई आई एम क्लियरिंग द फाउंडेशन इन सेकंड अटेम्प्ट, नॉट अ फर्स्ट अटेम्प्ट ओनली। ओके। तो जब सेकेंड अटेम्प्ट में क्लियर हुआ तो कितने मार्क्स आए थे फाउंडेशन में आपके उस टाइम? 200 200, मतलब एग्जैक्ट मेरे, मतलब मेरे, अच्छा एग्जैक्ट, 400 मार्क्स के पेपर थे फाउंडेशन में। या 400 मार्क्स का क्वेश्चन रहती थी, 50% चाहिए होती थी, 200 एग्जैक्ट आई थी हमारी फाउंडेशन ओके कोर्स में। ग्रेट ग्रेट। तो जब फाउंडेशन क्लियर कर लिए, फिर इंटरमीडिएट था आपके सामने, तो इंटरमीडिएट में फिर क्या, मतलब एक्चुअली फाउंडेशन में ऑलरेडी 2 अटेम्प्ट आपके लगे थे, तो आपने कुछ प्लान किया होगा इंटर में कि ऐसा जो मैंने फाउंडेशन में मिस्टेक्स किए थे वो नहीं करना है, इस तरीके से प्लानिंग करना है, ऐसा कुछ? एक्चुअली जब मैंने फाउंडेशन कोर्स क्लियर किया, अब हमें इंटरमीडिएट में हमें एडमिशन लेना है, ठीक है। उस समय तक कोई प्लान नहीं था हमारा, अच्छा बस इंटरमीडिएट में एडमिशन ले लिया। इवन इंटरमीडिएट ग्रुप 1 आई टू 4 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट, सॉरी 3 अटेम्प्ट टू क्लियर ग्रुप 1 ओनली।
उस समय तक मुझे पता नहीं था कि कैसे प्लानिंग करना है, कैसे स्पोर्ट्स को आगे लेके जाना है, कैसे फाइनल क्लियर करना है. आई डोंट नो, आई डोंट एवरी एनीथिंग अबाउट फाइनल क्लियरिंग, कुछ नहीं जानता था मैं. आई वॉज टोटली ब्लैंक. बट वन पर्सन, मेरे कॉन्टेक्ट में एक पर्सन मिले, एक हमसे बहुत से सीनियर थे, वो भी अकाउंट नहीं थे, कॉमर्स बैकग्राउंड था वो. उन्होंने मुझे एक एक भैया के पास भेजा, भैया बोल लीजिए, सर बोल लो, कुछ भी बोलो, बट वो एक हमारा वो बोलते कहते हैं ना कि भगवान कृष्ण ने, भगवान अर्जुन के सारथी कृष्ण थे, बस हम वही कहेंगे कि हमारा सारथी वो भैया थे, भैया था. उन्होंने एक रास्ता दिखाया कि कैसे हमें एक डिसिप्लिन मेंटेन करना है, कैसे स्पोर्ट्स को एक 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 डिसिप्लिन मेंटेन करने के बाद पढ़ाई करना है, कैसे एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से सोचना है, कैसा क्वेश्चन आने वाला है. तो दैट वो पर्सन जो मुझे मिले, वो मुझे एक रास्ता दिखाया कि कैसे हमें पढ़ाई करना है. एंड सीरियसली आई लिटरली आई एम सेइंग दैट, मतलब मैं एक घंटा नहीं बैठ के पढ़ता था. Okay. वहां पे मैंने समझा कि 8 घंटा कैसे लोग बैठ के पढ़ते हैं, 10 घंटा okay. कैसे लोग बैठ के पढ़ते हैं, विथ मेंटेन अ फुल डिसिप्लिन, नो मोबाइल फोन, नो एनीथिंग, बस एक लाइब्रेरी में जाओ, जस्ट लाइक बैठो पढ़ो. तो वहां पे आई समराइज द थिंग, मतलब वहां पे मुझे समझ में आया कि कैसे किसी भी चीज को अगर पढ़ना है तो एक डिसिप्लिन मेंटेन करना है, एक रूटीन फॉलो करना है तो वो क्रैक हो जाए. तो मैंने वो फॉलो किया. मैंने इंटरमीडिएट मैंने फाइनल निकाला था 2017 जून में. अच्छा, इंटरमीडिएट मेरा क्लियर हुआ था 2017 जून में. ओके ओके. देन मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट फाइनल का था, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि अब कैसे पढ़ना है, कैसे प्लानिंग करना है. ओके तो मेरा 1 साल के अंदर फिर फाइनल कंप्लीट हो गया. ओके मेरा 2018 दिसंबर में फाइनल कंप्लीट हो गया. ओके, तो फाइनल बोथ ग्रुप दिए थे या सिंगल ग्रुप दिए थे? फर्स्ट टाइम मेरा अटेम्प्ट, फर्स्ट अटेम्प्ट जो हमारा था वो 2018 अगस्त में था, जहां मैंने सिंगल अटेम्प्ट का तैयारी किया. अच्छा, तो उस टाइम नहीं हुआ? उस टाइम 190 मार्क्स. ओके, विकेट डाउन. ओके ओके. लेकिन आई नो, आई लिटरली आई अंदर से फील था कि जाएगा, अगर नहीं हुआ तो मुझे फिर बहुत दुख देना. तो मैंने एग्जाम के बाद ही फिर अपना कोर्स आगे फर्दर स्टार्ट कर दिया था ग्रुप 4 का. तो एक था, फिर मैंने दिसंबर 2018 में दिया फाइन बोथ ग्रुप एंड क्लियर द बोथ ग्रुप. अच्छा, दिसंबर 18 में बोथ ग्रुप क्लियर हो गया. वन थिंग दैट आई मेंशनड, 2018 जून में मेरा एक पेपर एग्जाम्प्ट हो गया था, तो कॉस्ट का. तो जब मैंने दिया तो मुझे 7 पेपर का सिर्फ एग्जाम देना हुआ था 2018 दिसंबर. तो वहां पे मेरा सीएमए कोर्स का पढ़ाई लिटरली खत्म हो गया. बट दिस इज द टोटल जर्नी ऑफ सीएमए कोर्स. तो उस समय भी मतलब एवरेज मार्क्स आए थे बोथ ग्रुप में, या फिर वहां पे कुछ अच्छे मार्क्स आए थे? उस समय अच्छे मार्क्स आए थे, क्योंकि मुझे एक आइडिया मिल गया था कैसे पढ़ना है, एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से कैसे तैयारी करना है. तो एक समझ में आ गया था कि अगर 100% 120 मार्क्स का क्वेश्चन आती है, उसमें से हमें 100 मार्क्स को सिलेक्ट करके पढ़ना है, तो हमें 70 मार्क्स का ही पढ़ना है, तो 70 मार्क्स का सही करके आना है. हमको आइडिया, मतलब उस समय एक समझ, एक प्लानिंग मिल गया था कैसे कर. तो जितना हम पढ़ के जाओ, तो मेरा अगर मेरा एवरेज देखेंगे फाइनल में, तो मेरा 62% था. 62% फाइनल में, ग्रेट, मतलब काफी अच्छा मार्क्स था. उसके बाद फिर कैंपस में पार्टिसिपेट किए थे? कैंपस में मैंने पार्टिसिपेट तो किया, बट अनफॉर्चुनेटली सम रीजन आई नो आई कुड नॉट सेलेक्टेड इन एनी कंपनी. आई शॉर्टलिस्टेड इन आई मीन 3 to 4 कंपनी, बट देयर इज नो वर्क एक्सपीरियंस, देयर इज नो कम्युनिकेशन स्किल. दिस इज अ बेसिक, दिस इज अ फर्स्ट एंड बेसिक रिक्वायरमेंट इज कम्युनिकेशन स्किल. Right. If you have, then you create the any corporate agencies, any Indian agencies, any corporate agency. The communication is very worse that time, my, and the work experience is nothing. So I was, मतलब मुझे मैं shortlist हुआ 5 company में, and किसी भी company में मैं select नहीं हुआ campus में. तो फिर जब campus में selection नहीं हुआ, तो कुछ demotivation, कुछ ऐसा कुछ आया? Yeah, obviously.
माई फ्रेंड इज सेलेक्टेड इन ITC, सेलेक्टेड इन सेल. आई वॉज टोटली आई मीन डिप्रेस नाउ कि अब क्या आगे, सब तो सब लोग तो आगे सेलेक्ट हो रहे हैं, सब तो सेट हो रहे हैं, अब क्या आगे, मेरा क्या आगे. बस वो एक डिमोशन था. बट फिर मैंने वो भैया के पास सोचे, वही हमको मोटिवेट किए कि ऐसा कुछ नहीं, ये कोर्स ही हो गया, अब तुम्हारे लिए मतलब एक रास्ता खुल गया, तुम किसी भी लाइन में जाओ. ऐसा नहीं कि कैंपस ही हो गया तो कैंपस में एक वन वे है, देयर इज अ मल्टीपल वे टू गो टू एनी कॉर्पोरेट वर्ल्ड. ओके, तो मैं क्या था, मैं बस सोचा मेरे जेब में 10,000 रुपीज थी, मैंने लिया और चला गया बैंगलोर. अच्छा, बहुत सारे इंटरव्यू दिया, बहुत सारे इंटरव्यू दिया, जहां पे वर्किंग था वहां जाके इंटरव्यू दिया. फाइनली एक स्टार्टअप कंपनी थी, जेटवर्क मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड, स्टार्टअप थी ऑलमोस्ट 3 to 4 years बैक कंपनी. राइट नाउ इट इज अ यूनिकॉर्न, ओके, वन ऑफ द यूनिकॉर्न कंपनी इन द बैंगलोर जेटवर्क मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस. तो उसमें मैं सेलेक्ट हुआ, 5 years वहां पे काम करा, 1.2 years काम करा. और उस समय ये COVID-19 सिचुएशन आ गया, COVID-19 का सिचुएशन आ गया, तो फिर यू नो लाइक स्टार्टअप फंडिंग एंड ऑल, तो दे आर ले ऑफ मेनी एम्प्लॉई, आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ द दिस. तो फिर घर पे बैठ गया. अच्छा, फिर हमें एक इंटरव्यू कॉल आ गया टाटा पावर से. टाटा पावर जब मैंने ज्वाइन किया था एज अ कॉन्ट्रेक्चुअल ज्वाइन करा. अच्छा, एज अ कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय टाटा पावर मुंबई में ही ज्वाइन करा इन 2021 फरवरी मंथ. देन यहाँ पे मैंने एक साल 1.3 years काम करा. देन आई गॉट इन सेलेक्टेड इन रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड एज अ फाइनेंस मैनेजर. देन आई वाज गुड, फाइनेंस कॉस्टिंग एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री सब देख लिया, सब एक्सप्लोर कर रहा हूँ, अभी देख नहीं रहा, एक्सप्लोर कर रहा हूँ. मतलब अभी तो रिलायंस में हो तो अभी तो रिलायंस में बहुत एक्सप्लोर करने का ऑप्शन है रिलायंस में तो. हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देयर इज नो डाउट कि अगर यू आर क्वालिफाइड एनी प्रोफेशनल कोर्स किए, नो डाउट कि एनी कोई रास्ता खत्म हो गया है, कैंपस नहीं होता है तो फिर कोई रास्ता नहीं है. नो डाउट मल्टीपल वे टू गो टू एनी कॉर्पोरेट वर्ल्ड इन कंसल्टेंसी फर्म, मैन्युफैक्चरिंग फर्म, सर्विस फर्म, एनीथिंग. तो अगर मैं बात करूं रिलायंस इंडस्ट्रीज की, अगर हम ऑफ कैंपस अगर हम देखते हैं तो रिलायंस कंपनी में मतलब किस तरीके से कॉल आ सकता है, उसके लिए क्या क्या आपने किया कि आपके पास कॉल्स है, और दूसरा पैकेज रेंज ऑफ कैंपस में एक रेंज क्या रह सकता है कि अगर आप रिलायंस कंपनी में जाते हैं लोअर लेवल से, जरूरी नहीं कि डायरेक्ट मैनेजर से, अगर आप उससे जो नीचे वाला भी जो लेवल हो उससे भी अगर आप स्टार्ट करते हैं तो क्या पैकेज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं? राइट नाउ रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड लास्ट ईयर गो टू CMA कैंपस. ओके, एंड टू फ्रेशर्स CMA हैड जॉइन इन माय प्लांट वेयर आई एम पोस्टेड. ओके, टू CMA फ्रेशर्स जॉइन किए फ्रॉम वन ऑफ द कलकत्ता, वन ऑफ द दिल्ली. ही वाज जॉइनिंग, बोथ आर जॉइनिंग मुंबई ओनली, एंड द पैकेज इज फ्रेशर इज 8 lakh. So the fresher package is not quite enough for survive to, actually they providing the accommodation, so no worry about that. Okay, so मतलब accommodation company provide करती है. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तब तो अच्छा है, accommodation plus 8 lakh का package काफी अच्छा है. Then after that your expertise, your experience, your communication skill depends to how to go in a more and more high level, go to more high salary package. So everything is depending on the skill set and experience. There is no limit of the salary range, no limit of the position. तो मतलब एक्चुअली अगर देखा जाए तो जब आप 10,000 रुपीज लेके अपने घर से बैंगलोर गए थे तो मतलब उस समय काफी कुछ दिमाग में चल रहा होगा, थोड़ा सा उस पॉइंट के बारे में बताओ, बिकॉज ना बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे शायद वो उनके लाइफ में भी ये पॉइंट जरूर हो सकता है कुछ के लाइफ में आए और कुछ के लाइफ में ऑलरेडी आ चुका होगा, तो उनके लिए थोड़ा सा हेल्प होगा. बिल्कुल, मैं ये माइंडसेट लिया था वैसे भी यहाँ रहना है तो 10,000 खत्म हो ही जाएगा, चलो वहां जाके ही खत्म करते हैं, 2 महीना वहां सर्वाइव कर लेते. एक्चुअली माय फ्रेंड वाज देयर ओनली, वो उसका फ्रेंड था, उसके साथ ही रह रहा था. तो एक्चुअली मतलब 10 साल 10 क्लास का एक फ्रेंड था, तो वो एक्चुअली वहाँ सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल है,
तो उसके साथ मैं जाके रहा तो एक सपोर्ट मिला, बट ये सोच के गया था कि दो दो महीना यहाँ पे खर्च करने से दो दो महीना उधर जाके खर्च कर दूँ, उसके बीच में कुछ मिल गया तो एक अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि अपॉर्चुनिटी अगर नहीं आता तो हमें अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी की बजाना होता है। तो मैंने वो अपॉर्चुनिटी मैंने छोड़ दिया था कैंपस। अब मुझे अपॉर्चुनिटी की बजाय अपॉर्चुनिटी मेरे पास निकल गई, तो मैंने वो 10,000 लेके अपॉर्चुनिटी खोजने चला गया फिर। तो अभी तक आप अपने जर्नी से स्टूडेंट्स को कुछ गाइडेंस देना चाहोगे कि आपको मतलब कुछ भी अपने साइड से कुछ टिप्स कुछ सजेशंस? फॉर द पर्पस ऑफ ज्वाइनिंग इन कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट लाइफ और एजुकेशन, एजुकेशन लाइफ इज मतलब फॉर इंटर इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, एनी एजेंसी एनी कॉर्पोरेट वर्ल्ड, यू नीड टू कम्युनिकेशन स्किल, इनहांस द कम्युनिकेशन स्किल, लोगों से कैसे बात करना है, लोगों से कहाँ पे बात करना है, क्या बात करना है, दिस इज द मोस्ट मैंडेटरी थिंग इन एनी कॉर्पोरेट एजेंसी। सेकेंड थिंग इज नेवर एंड एवर डीमोटिवेट कि तुम्हें कैंपस नहीं हुआ, राइट है ना। मैं भी वही तो स्टूडेंट हूँ जिसका कैंपस नहीं हुआ था। तुमने भी एक्चुअली हम लोग तो 3 साल से 1-2 साल से हम लोग एक दूसरे को जानते हैं, तो वी आर जस्ट नॉट हाँ फिजिकली मीट, बट यस कम्युनिकेटर थ्रू फोन, है ना। तुम तरह भी पहले मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में थे, फिर राइट राइट तुमने ज्वाइन किया सेंचर, ठीक है। तो मतलब ये जर्नी जो है, एक सीएमए जर्नी एक पढ़ाई तक सीमित नहीं है। पढ़ाई के बाद अब डिपेंड करता है कि हम अब अपने आप को कहाँ तक लेके जा सकते हैं। राइट हमारा एजुकेशनल कैंपस खत्म हो गया, अब हमें कॉर्पोरेट कल्चर में अंदर आना है। कॉर्पोरेट कल्चर में हाउ टू सर्वाइव, दिस इज अ मेन पॉइंट। कहाँ पे कैसे आगे जाना है, कितना अपने आप को किस एरिया में अपना क्वालिटी इनहेंस करना है ना। तो दिस ये एक माइनेटरी पॉइंट है जो आई वुड लाइक टू पे ऑल द स्टूडेंट, सीएमए स्टूडेंट हु इज परसुइंग द सीएमए, सेकेंड लार्जेस्ट ऑफ द अकाउंटिंग प्रोफेशनल कोर्स, राइट सी नेवर एंड एवर डीमोटिवेट कि तुम्हारा कैंपस नहीं हुआ। हाँ ये तो है। थैंक्स कि मतलब आपने काफी कुछ स्टूडेंट्स को बताया, अपनी जर्नी शेयर की। होप सो कि ये स्टूडेंट्स को काफी हेल्प करे और स्टूडेंट्स इस वीडियो को देखने के बाद एटलीस्ट डीमोटिवेट तो ना होंगे, क्योंकि काफी कुछ था इस स्टोरी में। वो 10,000 रुपीज लेके बैंगलोर जाना जहाँ आपको कुछ पता नहीं है। हाँ एक फ्रेंड था आपके साथ, वो एक पॉइंट था, लेकिन आप ऑलरेडी कैंपस में 4 to 5 कंपनीज में सिलेक्ट हो गए और फिर आपका वहाँ कुछ नहीं हुआ। तो ऐसे बहुत सारी पॉइंट्स थे लाइफ में, बट हाँ डीमोटिवेट नहीं हुए तभी आज रिलायंस कंपनी में जॉब बिल्कुल कर रहे हैं, नहीं तो शायद मैं भी बिल्कुल कहीं और होते। तो थैंक्स बिल्कुल। अबे, थैंक यू थैंक यू थैंक यू रोहन, थैंक बाय यू। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। तुमको भी बेस्ट ऑफ लक। गो टू हाईएस्ट हाईएस्ट पोजीशन एसेंचर रिसर्च कंसल्टेंट एज अ सिटी कंसल्टेंट। थैंक यू थैंक यू।